हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन, फिफ्थ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेक्यूनेस। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी और ओपेक्यूनेस के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मटेरियल को हम तीन तरह से जो है ना, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी और ओपेक्यूनेस के आधार पे जो हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी क्या है कि दी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ड्यू टू व्हिच वी कैन सी थ्रू इट क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। तो ये प्रत्येक मटेरियल का अपना प्रॉपर्टीज होता है, प्रत्येक मटेरियल का अपना प्रॉपर्टीज होता है कि वो क्या करे कि उसके थ्रू जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ड्यू टू विच वी कैन सी थ्रू इट क्लियरली, तो इस प्रॉपर्टीज, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टीज के थ्रू ही हम किसी मटेरियल के थ्रू हम देख सकते हैं। ओके, यदि ये प्रॉपर्टी, देखने का प्रॉपर्टी यदि किसी मटेरियल में है तो वो मटेरियल क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, ऐसा मटेरियल जिसमें ट्रांसपेरेंसी का प्रॉपर्टी है, तो वैसे मटेरियल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उस मटेरियल के थ्रू हम देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। ओके, उस वैसे मटेरियल को ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहेंगे और हिंदी में हम लोग उसको पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी। ओके, इसका कुछ एग्जांपल हो जाएगा, जैसे ग्लास, ग्लास, तो ग्लास की हम चर्चा करते हैं। तो ग्लास एक ऐसा मटेरियल है जिसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी का प्रॉपर्टीज है, यानी कि ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ओके, ठीक है, ग्लास का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे विंडोज, हम लोग विंडोज में क्या करते हैं, ग्लास जो फिट करते हैं। ओके, ताकि हमको जो है ना, बाहर का चीज या अंदर का चीज पूरा क्लियर दिखाई दे। ओके, स्पेक्टेकल्स, आंख में चश्मे जो हम लोग यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, क्या होता है, ग्लास का होता है। ओके, और हम लोग जो है ना, शॉपकीपर्स, दुकान वाले जो है ना, क्या करता है कि बहुत ऐसा मटेरियल है, ठीक है, कि उसको क्या करता है, वो या तो ग्लास के या क्या करते हैं, प्लास्टिक के, ठीक है, कंटेनर में उसको रखते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। एयर, हम लोग जो है ना, एयर एटमोसफेयर में है, चारों तरफ जो एयर से घिरा हुआ है, हम लोग उस बीच में है, फिर भी हम लोग जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, सारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी कि एयर क्या होगी आपका, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी का प्रॉपर्टीज है। वाटर, वाटर के थ्रू भी हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ओके, सम प्लास्टिक्स या पॉलिथीन, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं, पॉलिथीन ऐसे होते हैं जो कि क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और ग्राउंड नट ऑयल भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और एल्कोहल भी आपका ट्रांसपेरेंट होता है, इसके थ्रू हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंट मटेरियल आपको क्लियर है। ओके, सेकेंड वन, ट्रांसलूसेंसी। ट्रांसलूसेंसी किसको कहेंगे, तो ये भी जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होता है, क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच वी कैन नॉट सी थ्रू इट क्लियरली, कॉल्ड थ्रू, कैन नॉट सी थ्रू इट क्लियरली। ट्रांसलूसेंसी क्या होगा, किसी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टीज है, ट्रांसलूसेंसी मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि उस मटेरियल के थ्रू हम देख तो पाएंगे लेकिन क्लियर देख नहीं पाएंगे, दिखेगा लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा। ओके, तो उसको जो है ना क्या करेंगे, ट्रांसलूसेंसी कहेंगे, और वैसे मटेरियल को क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, यानी दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। इसी को जो है ना, चूंकि आधा देख पाते हैं आधा नहीं देख पाते हैं, पूरा क्लियर नहीं दिखता है, इसीलिए इसको सेमी ट्रांसपेरेंट भी कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे, अर्ध पारदर्शी। हिंदी में क्या कहेंगे, अर्ध पारदर्शी। इसका कुछ एग्जांपल हो जाएगा, जैसे ग्राउंड ग्लास, बटर पेपर, यानी कि ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर यदि आप देखे हो तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करो कि प्लेन पेपर लो, उस पर जो है कुछ ऑयल डाल दो, ठीक है, उस ऑयल को डालने पे जो जैसा बन के वो तैयार हो जाएगा, फिर उससे देखना आप, ठीक है, कुछ दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, वो पेपर आपका तैयार हो जाएगा, कैसा, ट्रेसिंग पेपर जैसे ही वो हो जाएगा और वो बन जाएगा आपका ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ठीक है, उसमें कुछ दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ओके, ऑयल्ड पेपर, ठीक है,
तो आयल पेपर बोला है कि यदि किसी पेपर पे जो है आयल आप डाल देते हो, इसी तरह का जो ड्रेसिंग पेपर भी होता है, ड्रेसिंग पेपर ऑलरेडी मार्केट में मिलता है, और टिश्यू पेपर भी, और मडी वाटर, वाटर से क्लियर दिखता है, मडी कुछ गंदा वाटर से भी हम लोग को पूरा क्लियर नहीं दिखेगा लेकिन थोड़ा बहुत दिखेगा, और क्लॉट्स, ठीक है, बादल के थ्रू। तो ट्रांसपेरेंट तो आपको क्लियर है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी में, तो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंसी में ये यदि ग्लास है और इधर यदि हमने क्या किया ये कैंडल को जलाया है, तो चूंकि इसका सारा टोटल लाइट जो है क्या हो जाता है, पास कर जाता है, तो आपको जो है टोटल कैंडल आपको दिखेगा, ठीक है, दूसरी तरफ कैंडल आपको दिखेगा, ठीक है। यदि हम यहां से देखते हैं तो हमको क्या होगा, हमको कैंडल दिखेगा, ओके। यदि यही जो है ना आपका क्या है, ग्राउंड ग्लास है, ये क्या है आपका, ग्राउंड ग्लास है। यदि यही ग्राउंड ग्लास है तो ये जो है ना झिलमिलाहट के साथ दिखेगा, पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, ओके। तो क्या होगा ये, यदि ग्राउंड ग्लास है तो ये पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है, दिखेगा लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिखेगा। तो आपको ट्रांसल्यूसेंसी, ट्रांसल्यूसेंसी यानी कि ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल क्लियर है, ओके, ऑफ ओपेक्यूनेस। तो थर्ड वन ओपेक्यूनेस, तो ये भी क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ओपेक्यूनेस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच वी कैन नॉट सी थ्रू इट एट ऑल, वी कैन नॉट सी, हम बिल्कुल नहीं देख सकते, ऐसा मटेरियल की प्रॉपर्टीज, मतलब ओपेक्यूनेस प्रॉपर्टीज के कारण जो है ना क्या होगा कि हम किसी भी मटेरियल, मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें ओपेक्यूनेस की प्रॉपर्टीज है, उस मटेरियल के थ्रू हम बिल्कुल नहीं देख सकते, उसके थ्रू हम बिल्कुल नहीं देख सकते। एज फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ये किताब है, बुक है, ठीक है, ये एक बुक है, इसके थ्रू हम यदि देखना चाहे तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस बुक में ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें ओपेक्यूनेस की प्रॉपर्टीज है, ओके। तो ये क्या है आपका, प्रॉपर्टीज है। तो वैसे मटेरियल जिसमें ओपेक्यूनेस की प्रॉपर्टीज है, वैसे मटेरियल को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ओपेक्यू मटेरियल्स, ओके। दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल, बिल्कुल नहीं देख सकते, ठीक है, आर कॉल्ड ओपेक्यू मटेरियल्स। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, अपारदर्शी, क्या कहेंगे, अपारदर्शी, ओके, क्लियर है। अपारदर्शी किसको कहेंगे, ओपेक्यू मटेरियल को, ठीक है। इसमें क्या होगा कि लाइट जो है बिल्कुल पास नहीं करेगा, इस मटेरियल के थ्रू, ओपेक्यू मटेरियल के थ्रू जो लाइट बिल्कुल पास नहीं करेगा, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल हो गया, जैसे कार्डबोर्ड, वुड, मेटल्स, ब्रिक्स, स्टोन, बुक। मान लो कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये कार्डबोर्ड, ठीक है, ये कार्डबोर्ड है। तो इस एग्जांपल को हम समझते हैं कि यदि ओपेक्यू मटेरियल के को समझते हैं कि मान लो कि ये कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पे ये कार्डबोर्ड है, क्या है, कार्डबोर्ड, ठीक, और यहाँ से हम इसको देखते हैं, ओके, ये हमारा क्या हो गया, आय, ठीक है। तो ये कार्डबोर्ड है, तो कार्डबोर्ड ओपेक्यू मटेरियल है, क्या हम इधर से देखेंगे तो क्या ये मेरा ये कैंडल जो है दिखेगा, बिल्कुल नहीं, ये कैंडल आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ओपेक्यू मटेरियल, ये कार्डबोर्ड जो है आपको लाइट को जो है पास नहीं करने देगा, और ये जो है तुम्हारा ऑब्जेक्ट यानी ये कैंडल है आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, ओके। तो आपको जो है ना ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक्यू मटेरियल बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो अब ये जो है ना आपका चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स बिल्कुल कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर में इंटर करेंगे अगले टॉपिक्स में, ओके।